वन एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी विद फ्रेश ब्रेन्स प्रजोश के साथ, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जो अहमदाबाद के सबसे मशहूर सोसाइटी में एक औरत के साथ घटी थी सन 2002 में। तो उस औरत का नाम कांता था। उस समय ऐसा था 2002 साल में वहाँ पे एक बहुत ही मतलब दंगे फसाद हुए थे, बहुत बड़ी कोई मारा मारी वगैरह फाइट हुई थी। तब उस टाइम पे गुजरात में मतलब अहमदाबाद की वो सोसाइटी जो थी उसमें सभी लोग मारे गए थे, और जो लोग थे मतलब बच्चे बूढ़े बड़े औरत सबको मार दिया गया था। तब वहाँ पे जो लोग थे मतलब एक औरत तो ऐसी थी जिसको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, और उसका घर जो था वो पूरी तरह जला नहीं था, पर वो जो औरत थी पूरी पूरे जल गई थी वो। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहाँ की जो सिचुएशन थी थोड़ी सही होने लग गई थी, वहाँ का जो माहौल था वो ठीक होने लग गया था। माहौल ठीक होने लग गया था तो वहाँ पे बहुत सारी लाशें थी, बहुत गंदगी मच गई थी, एकदम खून खराबा हर जगह यही सब फैला हुआ था। तभी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हें आदेश मिला कि वो जगह उन्हें साफ़ करनी पड़ेगी। तो उनमें से ही एक औरत थी जिसका नाम था कांता। कांता भी साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और जब वो साफ़ सफाई कर रही थी तब उसने उस औरत की लाश देखी जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि उसका घर पूरी तरह जल गया था। मतलब घर पूरी तरह नहीं जला था, बाकी वो जो था उसकी बॉडी पूरी जल गई थी। तो उस औरत ने कई सारे गहने वगैरह पहने हुए थे, उसकी लाश पड़ी थी तो उसके हाथों में कंगन सोने की सारी चीज़ें। वो देख के मतलब कांता जो है उसके मन में लालच हो गया, और उसने वो सारे गहने जो थे वो अपने साथ डाल लिया और वो घर चली गई। तो मतलब जब वो घर गई तो उसने उसी दिन रात को सपने में देखा कि वो जो लाश थी वो लाश उसके सपने में आई, और वो कहती है कि ये जो आप सोना डाल के लाए हो ये मेरे शौहर का दिया हुआ है, तोहफा है ये मेरा, आप मेरे से नहीं छीन सकते, इसे वापस कर दीजिए, वरना आप सोच भी नहीं सकते ऐसा अंजाम आपके साथ होगा। तो वो औरत जो कांता है वो झट से खड़ी हुई, घबरा कर खड़ी हो गई वो, और वो कहती है कि भी ये ऐसा क्यों सपना आया मुझे, मैंने लिया इसके वजह। बाकी कांता ने अपने पति से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था कि मुझे ऐसे सोना वगैरह मिला है, मैं जेवर लेके आई हूँ, उसने कुछ भी अपने पति से नहीं कहा था। बस उसने अपने पति को उठा के बोला कि जी मेरे को बहुत बुरा सपना आ रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो उसके पति ने जैसे तैसे उसको सुला दिया, मतलब नींद आ गई उसको, कांता को नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद उसने सपने में फिर ऐसी ही चीज़ देखी। वो ऐसे देखती कि जैसे कमरे में जिस कमरे में वो लोग सो रहे हैं उसी कमरे के कोने में वो औरत बैठ के जोर से रो रही है, और वो बोलती है तुमने मेरे जेवर लिए, मेरा सोना, मेरे जो सारे ये सोना वगैरह लिया हुआ है तुमने मेरा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कह के ये सारी चीज़ वो देखती है अपने सपने में देखती है। और फिर उठ के बैठ जाती है और वो सोचती है कि अब मेरा हस्बैंड भी सुबह काम पर जाएगा तो इसे कहाँ डिस्टर्ब करूँगी। तो वो जाती है किचन में और पानी पीती है कि वो भगवान ये तो बहुत डरावना सपना देखा मैंने। क्योंकि जब भी वो अपने कलश से पानी निकालती है, जब पानी पी रही होती है, पानी पीने के लिए ऊपर की तरफ जब फेस करती है, तब वो उसकी जो रोशनदान होती है मतलब जहाँ से एक हवा आना जाना करती है, छोटी सी खिड़की जैसी होती है वो, एकदम ऊपर होती है, तो जब भी वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो उसे ये चीज़ नज़र आती है कि किसी का जला हुआ हाथ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो वो और वो देख के एकदम घबरा जाती है, और फिर वो अपने पति के पास चली जाती है वापस। पूरा दिन बीत जाता है, वो अपने मतलब जाके ऐसे बैठ जाती है, वो अगला दिन आ जाता है और दिन की रात भी आ जाती है, वो सो जाती है रात को। रात को उसने फिर वही चीज़ें देखी कि भाई वो औरत है वो अपने जेवर मांग रही है, अपनी सारी चीज़ें मांग रही है। तो अपने पति को कहती है कि भाई अब तो नहीं छूट रहा, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो अपनी सहेली को भी फ़ोन करती है और वो बोलती है कि भाई अपने जो साफ़ सफाई करी थी वहाँ पे एक औरत की लाश जो थी उसके अंदर से मैंने जेवर वगैरह निकाल लिए थे, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। उसके दोस्त बोलती है कि नहीं नहीं कुछ भी गलत नहीं है, ये तो सिर्फ सपना है, सपने देख के तो क्यों घबरा रही है, कुछ गलत नहीं है करके। उसी दिन फिर सुबह 5 साढ़े 5 बज रहे थे, तब उसको खून की उल्टियाँ होने लग गई कांता को। फिर उसका पति जो है वो भी इसे सोचने लग गया ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई इसको, वो कोई जली हुई औरत नज़र आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो जो कांता है वो अपनी सहेली को भी फ़ोन करती है कि भाई मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, अब मेरे को उनकी उल्टियाँ हो रही है, मुझे सही में ऐसा लगता है कि हमने कोई गलती तो नहीं की, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी शायद। तो उसकी दोस्त बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कांता का पति और उसकी सहेली तीनों हॉस्पिटल जाते हैं, और कांता की जो ब्लड टेस्ट है वो करवाया जाता है कांता का, और ब्लड रिपोर्ट जो होती है वो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ये दिखाते हैं कि कांता जो है वो एकदम नॉर्मल है, उसे कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। ये चीज़ देखकर उसका हस्बैंड शॉक रह जाता है, और वो पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। तब
तब कांता अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है कि वहाँ पे जो दंगे फसाद हुए थे उनमें एक औरत भी थी जिसको जलाकर मार दिया गया था। मुझे वही वो दिखाई देती है, मैंने उसके वो जेवर जो थे वो सारे लेकर आ गई थी, मैं रूमाल में से बांध कर अपने लॉकर में छोड़ रखे हैं वहाँ पे। असल में कांता मतलब गरीब सी थी, तो उसके मन में लालच भी था कि मैं ऐसे कैसे क्यों दे दूँ, एक सपने की वजह से मैं अपना सोना जो मेरे को मिला है मैं कैसे किसी को दे दूँ करके उसे मन में लालच भी था, तो ये लालच ही उसके ऊपर भारी पड़ गया। तभी जो कांता है वो मतलब अपनी सहेली से कहती है कि कुछ तो भी अरेंजमेंट करवाओ, मेरे को मैं नहीं रह पाऊँगी, कुछ तो इलाज करवाओ मेरी इस हालत का। तब जो कांता की सहेली है वो पीर बाबा को लेकर आती है, वो कहीं से अपनी और जानकारी में पता करती है कि भी कोई पंडित जी हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, तब फिर उन्हें बाबा को लाया जाता है। जब वो बाबा के पास कांता मिलती है बाबा से, तब बाबा बोलते हैं कि आपने जो भी गहने जेवर वगैरह लिए हैं उन्हें एक रुमाल में लपेटो और वो जहाँ से आपने उठाए हैं वहीं पर फेंक दो। तब वो कांता बोलती है कि अब तो साफ़ सफाई भी हो गई होगी, पहले तो मैंने लाशपोर से उठाई थी ये सारी चीज़ें, तो अब तो वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। तो फिर पीर बाबा ने यही कहा कि आप वो जो हवेली थी वहाँ पे जाके ही फेंक दो, चाहे कहीं पे भी फेंको, अपने घर से निकालोगे बाहर तभी होगा, और जब आप इसे फेंक देते हो तब पीछे पलट के मत देखना, अगर आप ऐसा करते हो तो वो जो चीज़ जो उन गहनों को लेकर जाएगी वो चीज़ आपके पीछे आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि वो फेंकने के बाद आपको पीछे पलट के नहीं देखना है, उसे छोड़ दो, आप अपनी ज़िंदगी में और कमा लोगे, पर ये चीज़ आपका आपकी जान पे बन सकती है, मतलब आपकी जान भी ले सकती है, तो इसलिए ये चीज़ छोड़ दो आप करके। फिर जो कांता है वो अपनी सहेली को लेकर जाती है, वो रुमाल में लपेट कर वो गहनों को लेकर जाती है और वहाँ पे उस हवेली पे फेंक के वापस आ जाती है, बिना रुके कुछ सोचे समझे वो बस आगे की तरफ भाग जाती है, मतलब अपने घर पे आ जाती हूँ। तो उस टाइम बाद में ना ही तो उससे कोई सपना आया इस चीज़ के बारे में, ना ही कोई औरत जो है कुछ मांगने आती है, मतलब असल में कोई चीज़ थी, लालच है। हम इंसान जो है लालच कर लेते हैं, तो लालच जो है वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो अब इस कहानी में जो मैंने आपको बताई है असली घटना थी, तो इसमें ये औरत जो थी वो मुर्दे के सामान के साथ क्यों लालच कर रही थी भाई, तो थोड़ा ये चीज़ भी तो नोट रखनी चाहिए कि किसका सामान ले रही हूँ, क्या है, क्यों है, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा लगने लगे तो उस चीज़ को वहीं छोड़ देना चाहिए, उसे लेकर ही चलती रही, लेकर ही चलती रही। अगर कांता वो देती नहीं तो अब तो शायद वो जिंदा भी ना होती, पता नहीं क्या हाल होता उसका अगर वो नहीं छोड़ती उस चीज़ को, क्या पता उसकी जान भी चली जाती उस हादसे में। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है, किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर, कहानी पसंद आई या क्या कुछ आपको लगा मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।